Let's start chapter number 31 and the chapter number 31 is writing poetry. तो ये एक activity chapter है बच्चों, इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप poetry कैसे लिख सकते हैं, आप एक अच्छे poet कैसे बन सकते हैं. तो आपने मुझे ध्यान से सुनना है, okay? Poem can be described as pictures in words. Poem शब्दों में पिक्चर की तरह डिस्क्राइब की जा सकती है. जब हम पोयम को बोलें तो सुनने वाले के सामने उसकी पिक्चर आ जानी चाहिए, वो ऐसी पोयम होनी चाहिए. दिस इज बिकॉज इन अ पोयम द वर्ड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम सो विविडली दैट अ रीडर इज एबल टू विजुअलाइज द सब्जेक्ट क्लियरली. क्योंकि ऐसा पोयम में होता है कि जब कोई रीडर उस पोयम को डिस्क्राइब करता है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट्स को इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं कि सुनने वाले के सामने उसकी पूरी पिक्चर आ जाती है. ओके, अ पोयम कैन बी अबाउट कॉमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स. पोयम एक कॉमन टॉपिक के बारे में भी हो सकती है और किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक के बारे में भी या चीज़ों के बारे में भी हो सकती है. इट इज़ द चॉइस ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये हमारे वर्ड डिस्क्राइब, जो हम वर्ड चूज करते हैं उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है, एज वेल एज सब्जेक्ट की चॉइस पर डिपेंड करता है, जो कि उसे एक अच्छी पोयम बनाता है. एक पोयम में द लाइन्स नीड नॉट ऑलवेज राइम. हमेशा ऐसी ज़रूरत नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है कि राइमिंग में ही लाइन्स को लिखा जाए. बट देयर शुड बी अ रिदम इन द साउंड ऑफ द वर्ड्स. लेकिन जो हमारे वर्ड्स की साउंड है उसमें एक रिदम होनी चाहिए, सिमिलर टू दोज ऑफ अ सॉन्ग, जो कि यहाँ पर एक सॉन्ग में आपको दिखेंगी. ओके, सो नाउ रीड दिस पोएम अबाउट अ ब्लैक डॉग चेजिंग अ रैबिट. यहाँ एक ये पोएम है कि एक ब्लैक डॉग है, वो रैबिट का पीछा कर रहा है. तो चलिए Let's read it. All four paws tugged in, a furry streak crosses the green, black the arrow zeroes in. तो लग रहा है ना कि एक रिदम है पोयम में, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी बोल दिया गया है, right? Did the words in the poem make you imagine the black dog and the rabbit? क्या जब मैंने इन लाइन्स को पढ़ा तो आपकी इमेजिनेशन में वो डॉग और रैबिट आए? राइट, यू कैन बी अ पोएट टू. आप भी एक पोएट बन सकते हो. स्टार्ट बाय चूजिंग अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट को चूज करने से आप स्टार्ट करें. ओके, यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू और अबाउट समथिंग यू नो वेरी वेल. आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको मज़ा आता हो लिखने में, या फिर आप जिस चीज़ को सबसे अच्छी तरह से आपको लगता है कि आप जानते हो, आप उसके बारे में अच्छा लिख सकते हो, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पेट के बारे में, अपने रूम के बारे में, अपनी मदर, अपनी स्कूल बस, आपकी जो बालकनी में बर्ड्स चहचहा रही हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डे पर कैसा फील करा आपने, आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं. ओके, इट्स टोटली योर चॉइस. सो टू गेट स्टार्टेड, कैसे हम स्टार्ट करेंगे? आपको अपने सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा सोचना है. टेक अ लॉन्ग लुक ऑन एट योर सब्जेक्ट, थिंक अबाउट इट, सोचना है और ये बताना है कि इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या चीज़ बनाती है, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल. ओके, और आपको एक वर्ड पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करनी है और फिर अपनी इमेजिनेशन में आप एक पिक्चर बना दीजिए और फिर उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए. रीड द लाइन टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. बार बार खुद उन लाइन्स को पढ़कर देखें. लिसन टू द रिदम और द बीट इन द साउंड ऑफ वर्ड्स. जो वर्ड्स हैं उनकी साउंड में जो बीट है, जो रिदम है, उसे सुनने की कोशिश करें, उसे सुने. इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, वर्ड्स को रिप्लेस कर दें. चेंज भी कर सकते हो आप बेटर रिदम के लिए, एक अच्छी रिदम के लिए. वर्ड्स के साथ और उनके मीनिंग्स के साथ खेलें. ओके,
आप सेंटेंसेस के बारे में चिंता मत करें, स्पेलिंग्स के बारे में भी चिंता मत करें, और पंक्चुएशन के बारे में भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप अपनी राइटिंग ख़त्म नहीं कर लेते. ओके, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर पोएम, जब आप अपनी पोएम से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं, इसको किसी को पढ़कर सुनाएं. ओके, इफ़ द पर्सन इज एबल टू विजुअलाइज द आइडिया इन योर पोएम, जो आप अपनी पोएम में बताना चाहते हैं, अगर दूसरा पर्सन उसको विजुअलाइज कर पा रहा है, यू कैन बी श्योर दैट योर पोएम इज वॉट यू वॉन्टेड इट टू बी. तब आप ये श्योर हो सकते हैं कि आप अपनी पोएम को जैसा बनाना चाहते थे, जो आप लिखना चाहते थे, जो आप बताना चाहते थे, उसमें आप सक्सेसफुल हो गए हैं. ओके, सो यू कैन बी अ गुड पोएट बाय राइटिंग एंड रीडिंग लॉट्स ऑफ पोएम्स. सो बहुत सारी पोएम्स पढ़कर लिखकर आप भी एक बहुत अच्छे पोएट बन सकते हो. ईच टाइम यू राइट अ न्यू पोएम, ट्राई टू मेक इट एज गुड एज यू कैन. हर बार जब भी आप एक नई पोएम लिखनी स्टार्ट करो, उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो. तो बच्चों, ये कुछ गाइडलाइंस थी जो आपको एक अच्छा पोएट बनने में मदद करेंगी. इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.